अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिल से खुशामदीद है आप सबका मेरे YouTube चैनल इशू ऑल इन वन में। आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त की तहारी, जिसके लिए हमें चाहिए गोश्त जिसे मैंने उबाल लिया है, ये आधा किलो है, 2 गिलास चावल, 2 चमचे भर के दही, ये बड़ी प्याज है 1 अदद, 3 हरी मिर्ची है, 5 अदद दरमियानी, हमारे मतलब ना छोटे ना बड़े प्याज टमाटे हैं, कोतमीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, ये आधा चम्मच है, ये छोटा 1 चम्मच है फुल, शाजीरा, हरी इलायची, लौंग 2 से 3 है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, ये तेज़पत्ता। तो अब हम बनाते हैं हमारी मज़ेदार सी तहारी। ये देखिए, मैंने इतने 2 चमचे भर के इसमें ऑयल डाला है और ये अब हम प्याज को अपने लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। पिंक हो गई है हमारी प्याज। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन अच्छे से अब पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची, हल्दी, हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसी टाइम पे हम हमारी हरी मिर्ची इसमें डालेंगे कट करके। अब हम इस टाइम में हमारा दही डाल देंगे इसमें। दही को पकने देंगे 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे सारे टमाटे। इसे भी हमें टमाटे गले तक अच्छे से भूनना है। ये देखिए, हमारे टमाटे हाफ कुक हो गए हैं। हम दालचीनी अभी नहीं डालेंगे, इसे 1 सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से और भूनेंगे बस। अब हम इसमें इस टाइम पे हमारा गोश्त डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे गोश्त के साथ भी। अब हम इसमें डालेंगे हमारे चावल। अब हम चावलों को भी अपने अच्छे से भून लेंगे। अब हम हमारी हल्दी है और हमारा गरम मसाला डाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। मैंने यही गिलास से 2 गिलास चावल लिए थे, उसका डबल क्वांटिटी हम पानी डालेंगे। अब हम हमारा नमक भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें कोथमीर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। अब हम इसे फुल पर रखेंगे, फुल फ्लेम पे 2 सीटी आने के तक, और उसके बाद फिर हम इसे दम पे कर देंगे 1 सीटी आए तक। अब हम इसे खोलेंगे हमारे कुकर को। यस, ये देखिए हमारी गर्मा गर्म तहारी तैयार है।
अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये हमारी गर्मा गर्म तहरी तैयार है। फिर मिलते हैं आइंदा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।